तो फ्रेंड्स इसके साथ ही अब मैं माइक्रोवेव में आलू को बॉईल करूंगी। ठीक है, ये आलू छोटे छोटे आलू लेने हैं क्योंकि माइक्रोवेव में ज़्यादा बड़े तो बॉईल होते नहीं हैं। तो ये छोटे छोटे आलू लिए मैंने, इसको ना इस तरह से हल्का हल्का सा ऐसे कर लिया मैंने, ये ठीक है, ऐसे सब में कर लिया मैंने। करने के बाद में इसको लिया और अब माइक्रोवेव में हम इसको बॉईल करेंगे। जो ना बिल्कुल पानी नहीं छोड़ते आलू, तो बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको 3 साढ़े 3 मिनट तक करूंगी मैं। ठीक है, इतना मिनट करेंगे, फिर उसके बाद में फिर इसको पलटेंगे हम और फिर दोबारा इतना टाइम करेंगे, फिर ये उबल जाएंगे। तो ये अभी हो गया, अभी इसको थोड़ा सी देर आधा 1 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद हम इसको फिर पलटेंगे। ऐसे इसको बाहर निकालेंगे और फिर इसको एक बार पलट देंगे। नहीं, मैं की गर्म है। ऐसे पलट दिया, फिर इसको दोबारा रख देंगे 3 साढ़े 3 मिनट के लिए। चलो 4 मिनट कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब ये आलू इसके, अभी इसके अंदर 1-2 मिनट इसी के अंदर रहने देंगे ताकि इसी में ठंडे हो जाए, थोड़े से और गल जाए, बस फिर हम इसको उसको निकाल के फूके हमारे बॉयल आलू। तो ये 2 मिनट बाद मैंने इसको निकाल दिया, देखो कितने बढ़िया बॉयल हो गए हैं। पानी वानी भी नहीं, तो कई बार ना पराठे बनाओ तो दूसरे कुकर में बॉयल करो ना तो पानी पानी सा रहता है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से गल गई है।